हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो कक्षा 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2022 होने वाला है दोस्तों, 4 जुलाई से आप टाइम टेबल जो है नोट कर चुके होंगे। इसके लिए नया प्रवेश पत्र जो है जारी किया जाता है दोस्तों। आप जो पुराने जो एडमिट कार्ड है उसके आधार पर एग्ज़ाम नहीं दिला सकते। आपने फॉर्म भरा होगा, कोई भी परीक्षा सेंटर में जाकर जो है आपने फॉर्म सबमिट किया होगा, चाहे वो कक्षा 10वीं हो चाहे कक्षा 12वीं हो। तो ये दोनों कक्षाओं के जो छात्र है वे कहीं ना कहीं पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या जो फेल हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरे होंगे। तो जो इसका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, रेगुलर हो चाहे प्राइवेट छात्र है, इनका जो है जून में से जो इसी महीना जो जून है वो लगभग 25 तारीख से जो है वितरण शुरू हो जाएगा दोस्तों। डेट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि शिक्षा मंडल जो है पूर्णतः जो है सही जानकारी हर समय नहीं देता है। जैसे कि रिजल्ट के समय जो है 10 तारीख को आएगा, 12 तारीख को आएगा, ऐसे करते करते जो है 14 मई को रिजल्ट घोषित किया गया था। तो शिक्षा मंडल जो है डेट को कभी जो है चेंज कर देता है। तो अपन वीडियो के माध्यम से सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं, है ना दोस्तों। तो कक्षा 10वीं और 12वीं का जो एडमिट कार्ड है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का, उसका जो है आपका लगभग 25 जून से मिलना शुरू हो जाएगा, या 26-27 भी हो सकता है। लेकिन आप लोग सेंटर में जाकर जरूर पता कर लेंगे क्योंकि आप लोगों का जुलाई महीने से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है, है ना। और जिन लोग टाइम टेबल अभी तक नोट नहीं किए हैं तो अपने हमारे चैनल में टाइम टेबल जो है का एक वीडियो बना हुआ है, इसका लिंक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक में जाकर जो है इसका टाइम टेबल नोट कर सकते हैं। और सही समय पर यदि आपको प्रवेश पत्र मिल जाता है तो आप सही समय पर एग्जामिनेशन दिला सकते हैं दोस्तों। तो और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपना एडमिट कार्ड जो है अपने परीक्षा सेंटर में जहां आपने फॉर्म सबमिट किया है, भरा है, वहीं से ही प्रवेश पत्र वितरण किया जाएगा। या आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं अगर वहाँ जमा किए होंगे तो फिर वहाँ से आपको प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ज़रूर जाकर 2-3 दिन में ज़रूर पता कर लेना ताकि आपको प्रवेश पत्र सही समय पर मिल सके।